फतेहाबाद में पिछले 13 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज आंगनवाड़ी वर्कर नारेबाजी करती हुई लघु सचिवालय पहुंची और पुलिस को गिरफ्तारी की, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारियां की गई थी। पुलिस प्रशासन की ओर से वर्कर को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां से सभी को रिहा कर दिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार को चेताया कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना प्रदर्शन तेज करेंगी। 13वां दिन है भाई साहब। अच्छा, और ये मसला है हमारा, मेन मसला तो है सरकारी कर्मचारी मानने का। अच्छा, मोदी तो 8100 की रोज मेरे ख्याल चाय पीजे है, और माना 8100 देवे, और जो 3000 सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी वो भी बंद कर रखे उन्होंने, भी कौन दे रही। अब जो हरियाणा सरकार ये तो कहती हो हम आपके मतलब वो मान दे रहे हैं, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आँख मूंद के सो रही है, और सारा काम जो है हमारा आंगनबाड़ी पर है। भाई जो गांव में अगर लिफाफे तक चुगवा लिया हमारे से, कुइयां तक वर्क सर्वे करवा लिया, भाई बनवाओ, कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसको लेके जाओ, कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, और उसके बावजूद कह रहे हैं कमजोर बच्चा हो गया तो आप पे आएगा, उनका नाक तक साफ हमारे से करवाती है। मुख्य मांगे हैं मेरा भाई, पहले तो कर्मचारी ही बनावे हमें तो सीधा, सरकारी कर्मचारी बनाओ। मोदी सो क्यों रहे हैं, 8100 में ये आपका कपड़ा कौन धुआ सके है, क्यों हम को नहीं वो। और एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगी ये नारा दे रहे हैं, और इधर बेटियां ना भेज रहे हैं, जो पहले 25000 था लाडली स्कीम का, उसको काट के 21000 करेगा, जिसका कोई सबूत नहीं है, ये उन लिखा के छोड़ रहे हैं। हरियाणा इंडेक्स के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।